नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएनएन न्यूज सिलीगुड़ी और आपके साथ में सुप्रिया। अभी भी हम एनबीयू यूनिवर्सिटी के यहाँ पे हैं, जहाँ पे जितने भी जो टीचर्स हैं, जितने भी जो स्टाफ है, उनको गेट बंद करके रख दिया है। यहाँ से जितने भी जो स्टाफ है, जितने भी जो प्रोफेसर है, उनको बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। जब तक इनकी मांग है कि जब तक वीसी के साथ इनका मुलाकात नहीं होगी, तब तक ये किसी को भी घर जाने नहीं देंगे। जितने भी जो स्टूडेंट्स है, ये देखिए गाड़ी रोक रहे हैं, छात्र गाड़ी रोक रहे हैं सामने की तरफ। सामने की तरफ सामने की तरफ आप देख सकते हैं, सभी छात्र यहाँ पे हैं, सभी गाड़ी रोक रहे हैं। जितने भी जो प्रोफेसर्स की गाड़ी है, उन सबको रोक दिया जा रहा है। কথা বলি তারপরে কি হচ্ছে, তারা আমাদের পিছন পিছন ফলো করতেছে, আমরা যতদূর যাচ্ছি না। বিসি আবি বিসি স্যার জো হ্যাঁ বিসি স্যার জো হ্যাঁ ইনকা কহনা হ্যাঁ কি জো ইউনিভার্সিটি অথরিটি কা কহনা জো হ্যাঁ বিসি সাহাব বিমার হ্যাঁ তো আবি উনকে বঙ্গলো মে उनके बंगलों में लेके जा रहे हैं। जितने भी जो छात्र हैं, उनको वहीं पे रोक दिया गया है, वहीं पे रोक दिया गया है। सिर्फ दो छात्र जा रहे हैं वीसी के साथ मिलने। छात्र भी यहाँ से नहीं हट रहे हैं, और जितने भी जो प्रोफेसर्स, जितने भी जो स्टाफ है इस यूनिवर्सिटी के, उन्हें भी नहीं घर जाने दिया जा रहा है। क्योंकि सुबह ही हमने जब आप सभी को लाइव अपडेट दिया था, तभी छात्रों का कहना था कि आज फैसला होकर ही रहेगा। आज दूसरी बार है जब इन्होंने डेपुटेशन दिया था, आज दूसरी बार है इन्होंने डेपुटेशन दिया है, लेकिन अभी भी इसका फैसला ये नहीं हुआ है, इसका तय ही नहीं हुआ है कि आखिर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, क्योंकि इसका अभी भी जवाब नहीं मिल रहा है अथॉरिटी के तरफ से। अभी भी जो छात्र है वो सभी यहीं पर है, क्योंकि आज ये कह रहे हैं कि आज तो फैसला होकर ही रहेगा, क्योंकि परीक्षा भी बहुत ही नजदीक है। जैसे कि हमने जब छात्र से पूछा था, तभी इनका कहना था कि 20 तारीख यानी कि 20 जून को इनका एग्जाम है, तो अब बस एक महीना ही बाकी है एग्जाम आने के लिए। जितने भी जो प्रोफेसर्स है यूनिवर्सिटी के, जितने भी जो स्टाफ्स है, वो सभी यहीं पे है। किसी को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, सभी को लॉक करके रख दिया गया है, लॉक करके रख दिया गया है। ডিমান্ড আছে, ভালো কথা, স্টুডেন্ট অফিসারের কাছে যাক, অন্যদের কাছে আমাদেরকে বন্দি করে কি লাভ, স্টাফদেরকে বলুন আমাদের কি, আমরা কি অপরাধ, সবাই বাইরে और जितने भी जो प्रोफेसर, जितने भी जो स्टाफ है, वो सब अंदर है, अंदर की तरफ उन्हें बंद करके रख दिया है। अभी दो छात्र गए हैं वीसी के साथ मिलने के लिए। पूरा रस्सी से बांध के रख दिया गया है, ताकि जितने भी जो स्टाफ, जितने भी जो प्रोफेसर है, वो बाहर ना निकल सके, उनको बंद करके लॉक करके रख दिया है। अभी भी कई सारे ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। Thank you.
ये देखिए बस एक बार बंद कर बस आ गया सर ये देखिए आप देख सकते हैं रस्सी से बांध रहा है यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं रस्सी से नारियल का जो रस्सी है उससे बंद करके रखा है नहीं खुलने की बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में ही यहाँ पे झड़प की विवाद हमें देखने को मिल रहा हम सुबह से बांग्लादेश सकाल ना खे आखने का गेट खुलब बीजेपी संगे देखा करा राय ना पेले गेट खुलब ना राय लागे प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स और जितने भी जो स्टाफ है उनको बंद करके क्या फायदा तो फिर क्या उधर के बंद कर ले वीसी हमारे के इंपोर्टेंट भाव पे उधर संग कथा बोली लेकिन अभी तो वीसी को देखने के लिए गए हमारे तो दिवे तो राय दिवे तार तो हमने कथा बोलो तार बस सर्व हमारा एक जो वीसी ओदिके के आछे ओदिके जो हमारे कोनो राय ना दे एमनी कथा बोलले हे गेलो अगर अगर मान लीजिए कि वीसी ने ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन ही करने के लिए बोल दिया तो फिर आप लोग क्या करोगे हम लोग यहाँ यही रहेंगे धूपगुड़ी से हम आए हाँ धूपगुड़ी से आए हाँ उस दिन भी आए हाँ उस दिन भी आए थे आज भी आज अगर फैसला नहीं होगा तो आप यहाँ पे कहाँ पे रहेंगे यहाँ पे ही रहेंगे रोड पे रहेंगे फिर रहेंगे फैसला चाहिए हम लोग को ये देखिए आप आपने जैसे सुना कि धूपगुड़ी से जो छात्र आए हैं धूपगुड़ी से मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैंने आप सभी को पहले भी ये बताया था बाहर खोलने नहीं दे रहे जितने भी जो छात्र हैं वो खोलने गेट खोलने नहीं दे रहे एक भी स्टाफ एक भी प्रोफेसर को बाहर जाने नहीं दे रहे हैं ताकि ये चाहते हैं कि जब तक वीसी का फैसला नहीं आएगा तब तक ये बाहर नहीं निकल सकते हैं क्योंकि इनको बंद करने से ही अगर क्योंकि हम लोगों ने दूसरी बार यहाँ पे डेपुटेशन दिया है तब भी अभी भी जवाब नहीं है आज फैसला होकर ही रहेगा कि ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा आज वीसी का फैसला चाहिए ही चाहिए इसीलिए आज जितने भी जो दूर दूरान से छात्र आए हैं वो इतने दूर है घर उसके बावजूद वो यहीं पे अड्डा यहीं पे रह रहे हैं अब ये देख सकते हैं कि आज यूनिवर्सिटी में सुबह भी छात्रों का सैलाब था अभी भी छात्रों का सैलाब यहाँ पे है इनका कहना है कि जब तक फैसला नहीं होगा तब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे आज तो फैसला होना ही पड़ेगा আমাদের এমপ্লয়ীদের বেরোতে দিচ্ছে না এই বিষয়টা আমি বুঝছি না তাহলে কি ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ অনলাইন এক্সামে না না এটা এগুলো আমি বলতে পারবো না এগুলো যারা পলিসি মেকিং বডিতে আছেন তারা বলবেন আমরা বলছি যে ভিতরে যারা এমপ্লয়ি তারা তো পলিসি মেকিং এর সাথে যুক্ত না তো তাদেরকে আটকে রেখে হ্যারাস করে কি হবে আমরা রিকোয়েস্ট করছি অনুরোধ করছি যে সমস্ত এমপ্লয়ি ভেতরে আছেন তাদের আপনারা বেরোতে দিন কারণ এমপ্লয়িরা এক্সিকিউশন পার্টে থাকে পলিসির ব্যাপারটা থাকে না তো যারা ভেতরে আছে আমাদের এমপ্লয়িরা তাদেরকে আটকে রাখা হয়েছে আমি ছাত্রদের কাছে আবারও অনুরোধ করছি
যে সমস্ত এমপ্লয়ি ভেতরে কাজ করছেন তাদেরকে বেরোতে দিন। বিভিন্ন মহিলা এমপ্লয়ি ভেতরে আছেন, প্রচুর মহিলা এমপ্লয়ি আছেন, তাদের অসুবিধা হচ্ছে, আপনারা বেরোতে কথা বলুন, কার সাথে কথা বলতে হবে বলুন, আমরা বলছি। এবং আমরা ছাত্রদেরকে অনুরোধ করছি আমার সমিতির থেকে যে এমপ্লয়িরা পলিসি মেকিং বডির পার্টি না। আমি তো জাস্ট খবর পেলাম, খোলা ছিল, আমি একটু আগে নিজে এসেছি, এখন বন্ধ, বাড়ি যাওয়ার সময় হয়েছে, 5:30টার সময় বন্ধ হয়ে যাবে ইউনিভার্সিটি। এভাবে বন্ধ না করে প্রচুর মহিলা কর্মচারী আছে যারা সকালবেলা এসে সারাদিন কাজ করেছে, তাদের খুলে দাও, কারণ তারা তো পলিসি মেকিং বডির পার্ট না, তারা পলিসি তৈরি করে না। তো এইভাবে আমাদের আটকে রেখে এভাবে হ্যারাস করা হচ্ছে এমপ্লয়িদের, আমার মনে হচ্ছে খুলে দেওয়াটা ভালো। আমরা অনুরোধ করছি, আমি সুমন চ্যাটার্জি, নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন জেনারেল সেক্রেটারি। इस यूनिवर्सिटी के कर्मचारी सुमन चैटर्जी ने कहा कि हम अनुरोध कर रहे हैं जो छात्र है उनसे कि जितने भी जो स्टाफ है उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो पॉलिसी मेकिंग के साथ जुक्त नहीं है, यानी कि पॉलिसी मेकिंग के साथ उनका कोई भी जुक्त नहीं है, उनका कोई भी मामला यहाँ पे दर्ज नहीं हो सकता है, तो उनको रख के क्या फायदा। जितने भी जो स्टाफ है वो सभी अभी भी हम दिखा सकते हैं, जितने भी जो स्टाफ है वो अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। स्टूडेंट जितने भी जो छात्र है उन्होंने बंद करके रख दिया है। बिल्डिंग के ऊपर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कुछ जो यहाँ के जो स्टाफ है वो ऊपर में है, क्योंकि वो उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, तो इसलिए वो ऊपर कई सारे स्टाफ जो है वो ऊपर है, कई सारे स्टाफ जो गेट में है, अनुरोध कर रहे हैं बार बार छात्र से खुलने के लिए, गेट खोलने के लिए। अभी देखना ये है कि जो दो छात्र वीसी से मिलने के लिए गए हैं उनके बंगलों में, क्योंकि ये कहा गया है कि वीसी का तबीयत खराब है, तो इसलिए उनका बंगलों में ही यहाँ के जो कर्मचारी है उन्होंने ही दो छात्र को लेकर गए हैं। अब देखना ये है कि वीसी का आखिर क्या कहना है, वो उनके बंगलों में जाके मिल रहे हैं, वो अब क्या कहते हैं, क्योंकि बच्चे जो है, छात्र जो है, यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक फैसला नहीं आता है, जब तक फैसला सुना नहीं देते हैं, क्योंकि अब बस एक ही महीना बाकी है एग्जाम आने के लिए। ये लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड हो, और यूनिवर्सिटी ने घोषणा कर दिया है कि ऑफलाइन मोड हो। ये दूसरी बार है जब इन्होंने डेपुटेशन दिया और अभी भी जवाब नहीं आया है, इसीलिए। और जितने भी जो देखिए, फिर से वी वांट ऑनलाइन का गुंज, ऑनलाइन गुंज रहा है, वी वांट ऑनलाइन का अभी भी गुंज। जो छात्र है वो दूर दूरांत से आए हैं, उसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि आज फैसला हो ही जाए, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। मालदा से आए हैं, कोई धूपगुड़ी से आए हैं, कोई जलपाईगुड़ी से आए हैं, लड़कियां भी है, लड़की छात्रों भी आई है यहाँ पे, ताकि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो ये सुनने के लिए कि आखिर फैसला क्या निकल आता है, क्या फैसला उनके साइड में है या फिर प्रशासन ने जो फैसला सुनाया है उसी साइड में है। अब ये देखिए, जितने भी जो अभी भी जो यहाँ के जो स्टाफ है वो छात्रों से बात कर रहे हैं ताकि खोल दिया जाए। आधा क्लास जूम में, एग्जाम क्यों रूम में,
शिक्षा नीति पर प्रश्न, उसके साथ साथ जो पॉलिसी बनाते हैं इस यूनिवर्सिटी पॉलिसी मेकर के ऊपर प्रश्न कि जब दूसरे यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं तो एनबीयू का क्या दिक्कत है ऑनलाइन मोड कराने में, जब चार सेमेस्टर, छह में से चार सेमेस्टर ऑलरेडी इन्होंने ऑनलाइन मोड पे कर दिया है तो दो सेमेस्टर ऑनलाइन मोड में करने ना करने का क्या वजह है। बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं लेकिन अभी तक इनको ये सब प्रश्न का जवाब नहीं मिला है और आज ये जवाब लेकर ही जाएंगे यहाँ से, क्योंकि कई सारे ऐसे छात्र हैं जो बाहर बाहर से आए हैं, दूर दूरान से आए हैं, उनको ये डर नहीं है कि वो वापस कैसे लौटेंगे घर, लेकिन उनको फैसला चाहिए क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो इनका भविष्य भी है। ये आज और शायद इस बार ही होगा ऐसा, ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जमाने में ऑनलाइन नहीं था, जब कोरोना आया था तब सरकार ने ये निकाला कि इनकी उम्र चली जाएगी और इनका पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए क्योंकि ये है हमारे आने वाले भविष्य, लेकिन अब जब कोरोना हट गया है उसके बाद में उसके बावजूद ये ऑनलाइन मोड एग्जाम चाहते हैं, लेकिन क्या होगा फैसला ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि दो छात्र अभी भी वीसी के पंगलों में गए हैं, अभी तक वो निकल के नहीं आए हैं, जब वो निकलेंगे तो उनका क्या फैसला होगा, क्या वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, वीसी क्या कहते हैं, क्योंकि उन्हें भी समय चाहिए होता है। लेकिन ये अगर समय की अगर बात हम करें तो ये दूसरी बार है इन्होंने डेपुटेशन दिया है लेकिन जवाब नहीं आया, जहां एक तरफ छात्र यहाँ पे डट कर बैठे हैं कि आज फैसला होकर ही रहेगा, फैसला सुनकर ही जाएंगे, जहाँ पे छात्र ने स्टाफ को बंद करके रख दिया है कि अगर एक मुहावरा है ना, घी सीधी उंगली से नहीं निकलते हैं तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है, तो आज छात्र उसी पर उतरे हुए हैं कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रही है तो टेढ़ी उंगली करके ही निकाल लेते हैं, घी आखिर निकालना ही है। तो छात्र यहाँ पे बहुत है, अभी भी वो घर नहीं गए हैं इस आस में कि सुबह से ही यहाँ यहीं पे है भूखे प्यासे छात्र, और जहाँ पे वीसी का तबियत खराब है ऐसा ही कहा जा रहा है और बंगलों में गए हैं, लेकिन फैसला क्या आएगा वो अभी तक पता नहीं है। बात करने गए हैं दो छात्र, अभी तक लौट के नहीं आए हैं, उसके बाद ही यहाँ पे जो छात्रों का सैलाब है वो फैसला सुनने के बाद ही वो खत्म होगा। तो ऐसे अपडेट के साथ बने रहिए और देखते रहिए। और दो छात्र गए हैं, वो निकल के आएंगे, वीसी ने उनको फैसला क्या सुनाया है वो भी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए जीवीएनए न्यूज़ सिलीगुड़ी। धन्यवाद।